हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है वो काफी हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। जैसे आपका काफी ओल्ड सिस्टम है, जैसे ड्यूल कोर हुआ या पेंटियम या सेलेरॉन टाइप के बहुत ओल्ड प्रोसेसर वाले सिस्टम है, जिनके अंदर आप लोग क्या है विंडोज की जगह एंड्रॉइड सिस्टम है वो चलाना चाहते हो, तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एंड्रॉइड सिस्टम चलाना चाहते हो अपने सिस्टम के अंदर, तो आप सही जगह पर हो और सही वीडियो वो देख रहे हो। अगर आपने ऐसा सर्च किया और आपको ये वीडियो मिला है फर्स्ट में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ, जिसके करने के बाद में आपका जो भी सिस्टम है जिसके अंदर आप लोग विंडोज की जगह एंड्रॉइड सिस्टम है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर करें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको टेक्निकल नॉलेज मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अपने सिस्टम के अंदर एंड्रॉइड सिस्टम है वो चलाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग जो सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं रिमिक्स ओएस नाम से है, वो आपको गूगल पे इजीली सर्च करने से वो मिल जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा और आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और इंस्टॉल कैसे करना है वो वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो उसके लिए सिंपली करना क्या, आपको अपने सिस्टम का गूगल क्रोम ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है रिमिक्स ओएस और इंटर कर देना है। जो फर्स्ट ही फर्स्ट वाला लिंक आया उसको सिंपली आपको क्या करना है, ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में आप नीचे देखोगे, यहाँ पे आपको अलग अलग वर्जन मिल रहा है, जिसको भी आपको डाउनलोड करना है उस पर आप सिंपली क्या कर लोगे, क्लिक कर दोगे। 64 बिट में चाहिए, 32 बिट में चाहिए, जिस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड है वो कर लेना है। यहाँ पे देखो डाउनलोड हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको सिंपली क्या कर लेता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ बताया, ताकि आप इजीली चीज को वो समझ सको। बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट वो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अपने आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। तो सिंपली यहाँ तक डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, ये मेरी फाइल है वो डाउनलोड के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये फाइल मेरे पहले से ही है, डाउनलोड की हुई है। सिंपली आपको करना क्या है, जहां जिस फाइल में आपको क्या करना है उसको ओपन करके, और जहां पे आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जहां पे आप चाहो उस सिस्टम के अंदर है वो कर सकते हो। ऑलरेडी मेरा किया हुआ है न्यू फोल्डर के अंदर, तो आप सिंपली यहां पे कोई भी फोल्डर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं ये भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में सिंपली आपको एक जरूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की, जो आपको सिंपली डाउनलोड करना है, और मेरे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो सिंपली आपको करना क्या है, रूफूस ये सॉफ्टवेयर है वो अपने सिस्टम के अंदर है वो सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मेरे ये सारा सिस्टम ऑलरेडी किया हुआ है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप है वो बताता हूँ। तो आपने दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, एक तो रिमिक्स ओएस हो गया और एक ही हो गया रूफूस, दोनों डाउनलोड कर लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है सिंपली बताता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पेन ड्राइव है वो अपने लैपटॉप सिस्टम के अंदर है वो खाली पेन ड्राइव है। अगर खाली नहीं है तो आप उस पेन ड्राइव को क्या करना है, फॉर्मेट कर लेना है। तो मैं ये सिस्टम के अंदर लगा रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो यहाँ पे जो मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट की थी वो आपको शो हो रही होगी, और उसके बाद में मैंने एक रफूस डाउनलोड किया था, वो जो मैंने आपको बताया था रफूस है वो डाउनलोड करना है। तो ये रहा रफूस, सिंपली इसको क्या करना है आपको, ओपन करना। मैंने यस कर दिया और ये रफूस है वो ओपन हो चुका है। अब अपने को ये फाइल है वो सिलेक्ट करनी है, ध्यान रहे ये फाइल सिलेक्ट करनी है जो हमने अभी डाउनलोड की थी। मैं ये फाइल अब वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये रिमिक्स ओएस पीसी एंड्रॉइड 64 बिट के अंदर मैंने फाइल अब वो सेलेक्ट कर ली है, और यहाँ पे इस अपडेट मांग रहा है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। फाइल जैसे ही सेलेक्ट की, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहा होगा, जीपीटी और एमबीआर। तो मैं यहाँ पे एमबीआर के अंदर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। टाइम लेगा, ये फॉर्मेट मांग रहा है, फॉर्मेट कर दूंगा। तो कुछ ही टाइम के अंदर आपका जो पेन ड्राइव है वो आपका क्या हो जाएगा, एंड्रॉइड के अंदर बन जाएगा, जिससे आप अपने विंडो सिस्टम के अंदर भी एंड्रॉइड वो चला सकते हो, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो ब्लू स्टेक के बिना। जैसे विंडोज सिस्टम इंस्टॉल होता है, वैसे ये सिस्टम आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे आप लैपटॉप स्टार्ट करोगे, तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कौन सा स्टार्ट करना है। तो मैंने पेन ड्राइव के अंदर किया, आप चाहो तो अपने लैपटॉप के अंदर हार्ड ड्राइव में एक पार्टीशन बना के भी इसको इंस्टॉल है वो कर सकते हो। तो ये देखिए, ये आपका सिस्टम है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने क्लोज कर लिया। अब अपना जो पेन ड्राइव है ये रेडी हो चुका है, अपना जो पेन ड्राइव है वो एंड्रॉइड के लिए रेडी है। तो अपने को क्या करना है, पीसी रिस्टार्ट करना है, वो सिंपली ब्यूटेबल के अंदर सेलेक्ट करके अपने को पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है, और वैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर है वो एंड्रॉइड चलने लगेगा विंडो सिस्टम। तो सिंपली इस तरीके से मैंने तो पेन ड्राइव बना के किया है, आप चाहो तो अपने सिस्टम के अंदर कोई पार्टीशन बना के भी यहाँ से वो इंस्टॉल है वो कर सकते हो। थोड़ा सा मैं डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ, बट मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे सारे पार्टीशन है वो आपको दिखा देता हूँ फुल्ली क्या है। तो ये देख पा रहे हो सारे भरे हुए हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो अपने इसमें जो फाइल थी, जो हमने इसमें फाइल बनवाई थी वो डी ड्राइव के अंदर थी।
और न्यू फोल्डर में फाइल थी, ये देखो ये इमेज फाइल थी, इसको सिंपली क्या करना है सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको कहाँ पे कौन से ड्राइव इंस्टॉल करनी है, या आपने यहाँ पे नया डिस्क भी है वो बना सकते हो और सिंपली ओके करके अपने लैपटॉप के अंदर ही आप इंस्टॉल है वो कर सकते हो। तो मैंने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किया है, एक पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया है, तो आप पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके रख सकते हो, आप चाहो तो अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल है वो कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो पेन ड्राइव के अंदर जो मैंने इंस्टॉल किया है वो कैसे चल रहा है और क्या इसका बढ़िया सा शो हो रहा है और कैसे आपको डिस्प्ले वो देखने को मिलेगी और टोटली एंड्रॉइड चलेगा, आप कितने भी पुराने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना एकदम मक्खन की तरह चलेगा, स्मूथ चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो सिंपली ये देखो पेन ड्राइव लगा हुआ है, अब मैं अपने सिस्टम को वो रीस्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या होने वाला है। तो मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया और जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है तो मेरे पास डेल का लैपटॉप है, हर लैपटॉप में ब्यूटेबल करने के लिए अलग अलग की होती है बायोस को ब्यूट करने के लिए, तो इसमें है F11 और 12। तो जैसे ये रीस्टार्ट होता है मैं F11 और 12 दबाऊंगा और फर्स्ट प्राइवेट ये वो इस पेन ड्राइव को दूंगा जिसमें हम लोगों ने वो इंस्टॉल किया है रिमिक्स OS वाला। तो मैं सिंपली 11-12 प्रेस कर रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। तो ये दो नंबर है जो पेन ड्राइव आया है, इसको मैं सिंपली क्या करूंगा सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने दो नंबर पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया तो मैं गोस्ट वाले को सिलेक्ट कर लूंगा, बाकी आप इनमें से कोई भी फाइल सेव कर सकते हो पर गोस्ट वाले में कोई भी डेटा है वो स्टोर नहीं होगा, वापस वैसे का वैसा हो जाएगा। यहाँ नीचे विंडोज भी दिया हुआ है, मैं चाहूँ तो विंडो भी चला सकता हूँ। तो अभी मैं एंड्रॉइड वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये कुछ ही देर के अंदर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पूरा वीडियो एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए रिमिक्स आ चुका है, रिमिक्स OS आपके सामने शो हो चुका है। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है पर ये फर्स्ट बार ओपन होगा तभी टाइम लेगा, फिर आप सेकंड बार जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो काफी जल्दी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ही फर्स्ट सेटअप आया, वेलकम। अब अपने को सिंपली क्या है लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करनी है, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे मैंने एग्री कर दिया। वाईफाई को मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ, तो मैंने वाईफाई को स्किप कर दिया और यहाँ पे मैंने एग्री करके इस पर नेक्स्ट कर दिया, सेटअप कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये अपना स्टार्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हो कि इसमें पूरा का पूरा ये देखो प्ले स्टोर आ गया, फाइल मैनेजर आ गया। ऐसे नॉर्मली बताऊं आपको मैं एकदम एंड्रॉइड की तरह हो चुका है सिस्टम, ये जो एंड्रॉइड के अंदर सारा आता है वो सब कुछ है। यहाँ से अपने वाईफाई वगैरह है वो कनेक्ट कर सकते हैं और सिस्टम इतना स्मूथली चलेगा, इतना स्मूथली चलेगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो, आइडिया भी नहीं लगा सकते हो, बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। जैसे देखिए मैं फाइल मैनेजर को ओपन कर रहा हूँ तो इतना जल्दी ओपन हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये देखिए ये मेरी डिस्क है, तो ये सारा स्मूथली हो जाता है एकदम स्मूथली। तो अब जैसे ही मुझे विंडो वापस चलाना है तो मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगा शट डाउन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे ये देखिए शट डाउन का ऑप्शन है, ये शट डाउन हो चुका है और जैसे स्टार्ट होगा मैं विंडो है वो रेडी कर लूंगा इसके अंदर, तो वापस विंडो भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, दोनों अपने चला सकते हैं। अभी मैंने पेन ड्राइव से किया हुआ है, आप चाहो तो उसके हार्ड ड्राइव के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो जो मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हो, पेन ड्राइव में करना चाहते हो तो आपके हार्ड ड्राइव में कोई डेटा स्टोर नहीं होगा तो इजिली आप कर पाते हो, कर सकते हो। तरीके से आप अपने विंडोज सिस्टम के अंदर एंड्रॉइड सिस्टम है वो चला सकते हो, जो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या आप जो भी ऐप वगैरह यूज करते हो जो आपके विंडोज सिस्टम के अंदर सपोर्टेड नहीं होती है एंड्रॉइड के अंदर सपोर्टेड होती है, तो आप वैसे पेन ड्राइव से भी रख सकते हो। जब आपको एंड्रॉइड वाले सिस्टम की जरूरत होती है तब अपना पेन ड्राइव लगा लो और एंड्रॉइड सिस्टम में वो चलाओ, अदरवाइज आप अपने सिस्टम के अंदर भी है वो इंस्टॉल कर सकते हो। बायोस के अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, आप विंडो चलाना चाहो विंडो चला सकते हो, एंड्रॉइड चलाना है वो एंड्रॉइड चला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और आपको नॉलेज मिला होगा। ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।